नमस्कार महोदय, नमस्कार जनगण। भारतीय जनता भाजपा के राजनीतिक महासचिव हैं। आइए जानते हैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासकर जो समाज का अभी जो सम्मेलन चल रहा है, क्या किस उद्देश्य के साथ चल रहा है? देखिए, आज ये विश्वकर्मा सम्मेलन है। विश्वकर्मा समाज में बहुत सारे हमारे वंश आते हैं, सुथार आते हैं, पांचाल आते हैं, धीमान आते हैं, जांगिड़ा आते हैं, जांगिड़ भी लिखते हैं। तो ये चारों पांचों जो भी संगठन है, ये सब विश्वकर्मा वंशज हैं। और आज ये जो पांचाल जी ने अपने इस बैनर के नीचे ये प्रोग्राम आयोजित किया है, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। ये पूरे विश्वकर्मा समुदाय को एक बैनर के नीचे लाने का एक श्रेय इनको आज जाता है। और हमने भी इसी कड़ी में एक राजनीतिक प्रकोष्ठ की स्थापना की है। अभी रिसेंटली अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय प्रकोष्ठ बनाया है और उसको अब हमने विश्वकर्मा का नाम दिया है, क्योंकि उसमें सारी जनगणना होगी, जिसमें सभी संगठन आएंगे, सुथार भी आएंगे, पांचाल भी आएंगे, जांगिड़ जांगड़ा सभी आएंगे उसके अंदर। और इस राजनीतिक प्रकोष्ठ का मेन ध्येय ये होगा कि हम अपने समाज की भागीदारी राजनीतिक लेवल पे निर्धारित कर सके कि सरकार में हमारा स्थान कितना है, जो परसेंटेज हमारी जो बनेगी, सारे संगठन को मिलाकर के जो परसेंटेज हमें मिलती है, हम उसके माध्यम से राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करें। क्या आपको लगता है कि अभी तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था? बिल्कुल नहीं मिल पाया है और हम संतुष्ट भी नहीं है। अभी 17 सितंबर को भी जो विश्वकर्मा जयंती मनाई जानी थी, उसको श्रमिक दिवस मनाने का काम किया गया, वो हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी। और एक तरह से इस विश्वकर्मा समाज की इंसल्ट करना मैं कहूँगी उसे, सरकार ने ये बहुत गलत किया। और हमने सभी लेवल पे अपने प्रदेश लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, जिला लेवल पे इसका प्रोटेस्ट भी किया है कि 17 सितंबर हमें विश्वकर्मा डे के रूप में चाहिए, ना कि श्रमिक दिवस के रूप में चाहिए, क्योंकि हम मजदूर नहीं है, हम शिल्पकार हैं, सृष्टि के रचयिता की संतान है। तो जो सृष्टि का रचयिता है वो श्रमिक कैसे कहलाया जाए? किसी भी समाज में कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले विश्वकर्मा की पूजा होती है, जी की पूजा होती है। आप उसे अवहेलना कर रहे हैं सरकार को? बिल्कुल, हमारी जो अवहेलना की गई है वो मतलब सहन करने के लिए। आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? जी, मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि विश्वकर्मा के वंशज होने के नाते सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे संगठित हों और दिखा दें राष्ट्र में कि उनकी एक बहुत बड़ी भागीदारी है। और विश्वकर्मा समाज का नाम अगर रोशन करना है तो संगठन मजबूत करना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा, जो कि थोड़ा सा समाज में कमी है इस चीज़ की, बटे हुए हैं एक लोग। और आपने देखा है कि दो बिल्लियों की लड़ाई के बीच में बंदर फायदा उठाते हैं, तो जानते हैं आप लोग। तो मैं चाहूँगी कि मेरा पूरा समाज संगठित हो और हम बिल्ली या बंदर बाट की भाषा ना हमारे बीच में आए, पूरे संगठन को, पूरे समाज को उनका अपना पूरा अधिकार मिले, ये मैं चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, थैंक यू। ये थे बता रहे थे, खासकर संगठित करना उद्देश्य है और इसी को लेकर वो आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन नमस्कार।